हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मिन्स पकोड़ा। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो उसके लिए ये मैंने चिकन मिन्स लिया है, इसमें हम ये प्याज और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च का पाउडर, सॉल्ट ऐड करेंगे और लास्ट में हम 2 चम्मच बेसन ऐड कर देंगे। थोड़ा सा और ऐड करेंगे और अब इन सब चीजों को हम मिक्सर में चला लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देख सकते हैं आप। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट जो है, ये बिल्कुल बनकर रेडी हुआ है। आपने भी ऐसे ही मिक्सचर रेडी करना है। तो अब हम इनको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो ये ऑयल गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। अब जो है ये हमने मिक्सचर प्लेट में निकाल लिया था और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा लेकर हम ऑयल में डालते रहेंगे। जितने बड़े आप पकौड़े बनाना चाहते हैं आप उतना मिक्सचर लेकर ऑयल में डाल दें और मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई कर लें गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक। तो मीडियम फ्लेम पे हमने हमारे पकौड़ों को फ्राई किया है। तो ये आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और कितने कलरफुल हो गए हैं। तो अब हम इनको जो है वो निकाल लेंगे। तो ये तैयार है हमारे मज़ेदार से चिकन मिन्स पकौड़े। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।